वीडियो में दिखाए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप मैसेज करने से पहले ध्यान रखें, यह नंबर टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट लेने के लिए उपलब्ध है। आप इस नंबर पर कॉल या मैसेज करके शुल्क पता कर सकते हैं। अपनी जन्म कुंडली, हस्तरेखा व प्रश्न कुंडली का विश्लेषण कराने हेतु इस नंबर पर संपर्क करें। दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। धनु राशि के जातकों की 3 कमजोरियां जानेंगे इस वीडियो में कि धनु राशि के जातक ऐसी कौन सी वो आदतें हैं, कौन सी वो बातें हैं जिनसे इन्हें कमज़ोरी महसूस होती है, इनके जीवन में वो कौन सी आदतें हैं इनकी जो इन्हें कमज़ोर महसूस करवाती हैं, इनकी गलतियां क्या हैं। यही 3 आदतें ज्योतिष के अनुभव से पता लगाते हुए आपको बताते हैं कि ये 3 कमजोरियाँ क्या हैं। आइए जानते हैं। सबसे पहली कमज़ोरी, ये लोग धनु राशि के जो जातक हैं, अपनी बात के आगे किसी की लगने नहीं देना। अपनी बात अगर किसी से कह दी, उसका कोई काट कर रहा है तो उसे नहीं सहन करना। यही इनकी जो आदत है वो इन्हें कमज़ोर करती है। ये अपनी बात के आगे किसी की नहीं लगने देते हैं, यानी कि मैंने जो कहा वही सत्य है, वही सही है, उसके सिवा कुछ सही नहीं हो सकता। ये इनकी बहुत बड़ी भूल होती है और इसी बात से आगे चल के बहुत सारी परेशानियाँ उठाते हैं। मैं इसे अपने ज्योतिष के अनुभव से कमज़ोरी का ही प्रारूप देना चाहूँगा। दूसरी कमज़ोरी की बात करते हैं। दूसरी कमज़ोरी है लालच। ये दोस्तों लालची जो स्वभाव होता है, लोभ लालच, ये इन्हें बहुत सारा नुकसान कराता है। किसी भी चीज़ को ये जब ख़रीदते हैं या किसी चीज़ को भी किसी का भी मोल भाव करते हैं तो ये कहीं ना कहीं लालच में आकर के कम पैसों वाली चीज़ों को ख़रीदना चाहते हैं, क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि वो सेम ही है। लेकिन बहुत सारी फिर दिक्कतें आती हैं, वो चीज़ इनकी जल्दी ही नष्ट हो जाती है, यानी कि ये 2 रुपए के लालच में आकर के 1000 रुपए की चीज़ का नुकसान कर लेते हैं। ऐसे इनकी आदतें होती है। तो कहा भी गया है, लोभात क्रोधा प्रहवति, लोभात कामः प्रजायते, लोभान मोहश्च नाशश्च, लोभा पापश्च कारणम्। पाप का कारण लोभ लालच को ही बताया गया है। तो ये सारी परेशानियां लालच की वजह से आती हैं। जीवन में लालच को दूर रखना चाहिए। प्रेम वार्ता, ये सबसे अच्छी बात है कि इनकी कमजोरी है प्रेम वार्ता। अगर इनसे कोई काम बनवाना है तो थोड़ा सा प्रेम से बात करिए, थोड़ा सा सम्मान दीजिए, थोड़ा विश्वास जताइए और बस देखिए फिर आपका काम कैसे ये कर देते हैं। तो धनु राशि की ये कमज़ोरी है कि ये प्रेम के बहुत ही भोले होते हैं, मतलब प्रेम से इनसे कोई भी काम निकलवा सकते हैं। तो ये सबसे बड़ी कमज़ोरी है और मुझे लगता है कि इन लोगों को अपने अंदर ये स्वभाव लाना चाहिए कि कोई प्रेम से वार्तालाप कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपका बहुत सगा है। अगर प्यार से बोल रहा है तो आप प्यार से बोल सकते हैं, लेकिन अपने भेद नहीं खोलने चाहिए कि वो आपका सगा है, वो आपके साथ अहित नहीं करेगा। लेकिन हकीकत में दोस्तों जो प्रेम से बोलते हैं आपसे, प्रेम 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 करके आपका सर्वस्व छीनना चाहते हैं। तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।